पे टेक्निकल चीजें आपने बहुत सारी सीख ली है। मेरा जो लोग मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, छोटा सा एक चैनल है 4.5 लाख लोग उधर प्यार दर्शाते हैं अपना, तो काफी सारे लोग वहां पर मुझसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आपकी साइकोलॉजी बहुत गजब की है, थोड़ी हमारी भी करवा दो। तो आज मैं आपको केवल 12 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, अबाउट 12 सच थिंग्स जिसके कारण मैंने अपनी लाइफ में लॉस किया हुआ है। देखिए जाहिर सी बात है, काफी सारे लोग आते हैं इस तरह के कन्वेंशन पे, यार एक वो स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक वो सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें 1,000 रुपए लगाऊं और 10 लाख बन जाए, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहे हैं। लेकिन केवल कुछ लोग होते हैं जो आते हैं यार कि हमारे लॉसेस लोग, अच्छा जितने लोग लॉसेस हैं जोर से बोलो हाँ, देखो पूरा शोर हो गया, लोगों ने हाथ भी उठा दिया। तो आज मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताने वाला हूँ, अबाउट 12 सिंपल थिंग्स जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यार वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को सुधार सकते हो। सब लोग तैयार हैं? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। मैं बीच बीच में कहता हूँ मेरी कॉग्निशन अबाउट दिस फैक्ट कि जितने भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होते हैं डायलॉग्स होते हैं, तो हम बीच बीच में हाँ ना करते रहते हैं ताकि जितने लोग उधर फेफड़ा जलेबी खाते जा रहे और इधर नहीं आ रहे वो भी जोर शोर से आ रहे। तो चलिए समझते हैं पहली चीज, और लगता है बुलेट ट्रेन बड़ा भी चेंज हो रहा है, और मैं अपने लाइव एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करूंगा। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? हाँ ना बोल दो, हाथ रख मत दो। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं 2015 के मेरे कुछ ट्रेड्स हैं। एवरी मिस्टेक विल बी अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू। हर मिस्टेक जो मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए एक लेसन होगा और आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो सबसे पहली चीज थी 2015 में, मैं हूं, जितने लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हो उनको पता है कि ये इंसान थोड़ा मंगेलिया है, ये बेयरिश बेट्स बनाता है, उससे पैसे बनाता है। जितने लोग मेरे को फॉलो करते हो ये पता है कि भाई इसका बस चले तो ये मार्केट को मतलब मनु भाई जैसे रखते थे वैसे रखने की कोशिश करेंगे। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है। तो 2015 में मैंने अपना एक नेगेटिव स्टैंस बनाया, आई हैड हेल्ड इनटू इंटेंट कि भाई चीजें तो गिरेंगी, निफ्टी गिरेगा, मैं बहुत तगड़ा पैसा बनाऊंगा। और मेरा जो लिमिटेड अनुभव उस समय में कहता है, एटलीस्ट रिटेल के पक्ष में अगर बात करूं